ह्यूमन लीवर, जिसे यकृत या जिगर भी कहते हैं, ये इंसान के बॉडी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क और मल्टीटास्क को करता है। लीवर हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा कामों को एक साथ करता है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारा लीवर कैसे काम करता है। हमारा लीवर कैसे काम करता है, इसे जानने से पहले हम अपने लीवर के बारे में कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी के राइट साइड में रिब्स यानी पसलियों के अंदर सुरक्षित रहता है। इसका वजन 1.5 किलो के आसपास होता है। ये डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लीवर कूफर और हेप्टिक सेल से मिलकर बना होता है। इसके हेप्टिक सेल के खराब हो जाने के कारण ही इंसानों में हेपेटाइटिस नाम की बीमारी होती है। इंसान के शरीर का सारा खून लीवर से होकर ही गुजरता है। हमारे शरीर का 13% खून हमेशा लीवर में मौजूद रहता है। लीवर की सबसे खास बात ये है कि ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को रीजेनरेट कर सकता है। अगर किसी इंसान के लीवर के 75% हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाए, तब लीवर इस कटे हुए हिस्से को दोबारा बना लेता है। लीवर में सेल डिवीजन सबसे फास्ट होता है। हमारे पूरे बॉडी में यही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजेनरेट कर सकता है। लीवर के बारे में बेसिक बातों को जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि हमारा लीवर कैसे और क्या काम करता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे मेहनती ऑर्गन है। ये हमारे पूरे शरीर में 500 से ज़्यादा कामों को करता है। इसे एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट कामों के बारे में जानेंगे। हमारे लीवर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे खून के अंदर मौजूद गंदगी को साफ करना। लीवर हमारे खून में मौजूद जहरीली चीज़ों को नष्ट करके हमारे खून को साफ रखता है। जब कोई इंसान अल्कोहल, नशीले पदार्थ या किसी जहरीली चीज़ों का सेवन करता है, तब ये खून में जाकर खून को गंदा करके उसे जहरीला बना देते हैं। इस टाइम पीरियड में हमारा लीवर ही है जो इस गंदे और जहरीले खून को साफ करके दोबारा से हमारे लायक बनाता है। लीवर सेल्स हमारे ब्लड में मौजूद टॉक्सिक पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर इससे लीवर के कुछ सेल्स भी मर जाते हैं। हालांकि लीवर में अपने सेल्स को रीजेनरेट करने की क्षमता होती है, इसलिए लीवर बाद में उस जगह दूसरे सेल्स को बना लेता है। लेकिन अगर खून में जहरीले पदार्थों की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब लीवर बहुत स्पीड से डैमेज होने लगता है। इसलिए हद से ज़्यादा शराब या जहरीली चीज़ों का सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है। लीवर का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस यानी पित्त का प्रोडक्शन करना। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में खाए गए खाने को ब्रेक डाउन करके उसे डाइजेस्ट होने लायक बनाता है। जब हम खाना खाते हैं, तब उस खाने को पचाने के लिए लीवर पेट में बाइल जूस को छोड़ता है, जिससे हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लीवर बाइल जूस को रिलीज करने के साथ साथ उसे एक छोटे से बैग में स्टोर करके भी रखता है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर का तीसरा काम कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलना है। हम जो खाना खाते हैं, उससे मिले हुए कार्बोहाइड्रेट को लीवर जरूरत के हिसाब से हमारे बॉडी में सप्लाई कर देता है और बचे हुए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने वाले लोगों के बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाने के कारण वो मोटे हो जाते हैं। जब बॉडी में फैट भी हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब लीवर फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदलना शुरू कर देता है। इसलिए अक्सर मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। हमारा लीवर एक बैटरी की तरह काम करता है। हम ये बात तो जानते हैं कि हमारे बॉडी सेल्स को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स करते हैं और ग्लूकोज की सप्लाई हमारा लीवर करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पेज पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम जो खाना खाते हैं, उस खाने से मिले हुए ग्लूकोज को लीवर जरूरत के हिसाब से बॉडी सेल्स को सप्लाई कर देता है और बचे हुए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करके रख लेता है। जब हम किसी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं, तब हमारे बॉडी सेल्स के ग्लूकोज की जरूरत को पूरा करने के लिए लीवर स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन को तोड़कर वापस ग्लूकोज में बदलकर बॉडी सेल्स को सप्लाई कर देता है। काफ़ी समय तक खाना नहीं खाने के कारण जब लीवर से ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है, तब लीवर प्रोटीन और फैट को तोड़कर ग्लूकोज बनाने लगता है। इस तरह से हमारा लीवर एक बैटरी की तरह काम करता है। हमारे शरीर में खून का निर्माण हमारी हड्डियां करती है, पर जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तब उसमें बहुत कम हड्डियाँ होती है जो खून का निर्माण करने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तब उसके शरीर में खून का निर्माण लीवर करता है। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पेज पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। हमारे शरीर में और भी बहुत तरह के कामों को हमारा लीवर करता है,
जैसे लीवर हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, लीवर ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, लीवर हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत तरह के केमिकल, प्रोटीन और हार्मोन को बनाता है, इसी तरह के शरीर के छोटे मोटे बहुत कामों को हमारा लीवर करता है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारा लीवर कैसे और क्या काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइंस न्यूज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।